What will be your name? My name is Akwaza Waza Akwakunkwala Akwaza. Dabulaza. What will be your name? My name is Akwaza Waza Akwakunkwala Akwaza. Dabulaza. I beg. What will be your name again? Call him again. What will be your name? I say, my name is Akwaza Waza Akwakunkwala Akwaza. यू नो गाइस, इस पूरे इंटरव्यू में सबसे बड़ा हरामी कौन है? वो जो इंटरव्यू ले रहा है, क्योंकि वो नाम के नाम पर उंगली किए ही जा रहा है, किए ही जा रहा है। नाइन 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 ऐसे रिपोर्टरों के साथ में तो ये सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये जो नाम है ना, ये उसके पेरेंट्स ने उसको दिया है, ये नाम उसने खुद ही रख लिया है, माँ बाप से बदला। इस बच्चे का नाम सोनम गुप्ता रख दो। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया सो जा रहा है। चुप कर चुतिए, मजा नहीं आया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेडिक बुक के एक नए एपिसोड में। एक नया एपिसोड एक नई चीज को लेके, एक नई टेक्निक को लेके। आज का जो एपिसोड है काफी खास है, उन लोगों के लिए जो मेडिकल फील्ड से हैं और उन लोगों के लिए भी जो मेडिकल फील्ड से नहीं है, क्योंकि दवाइयां तो सब यूज करते हैं। आज का टॉपिक है ड्रग्स के नाम के बारे में। आप सोच रहे होंगे ड्रग के नाम तो हमने सुने हैं भाई, इसमें नया क्या बात है? नहीं नहीं, जो आपने सुने हैं वो सिर्फ उस चीज का एक पहलू है। ऐसे ड्रग के बहुत सारे नाम होते हैं, चाहे वो किसी भी सिस्टम की हो, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, कई चीजें होती हैं। हाँ, रोजमर्रा की लाइफ में हम यूज करते हैं मोस्टली एलोपैथिक ड्रग्स, कभी टैबलेट के फॉर्म में, कभी कैप्सूल के फॉर्म में, कभी सायरप के फॉर्म में, कभी क्रीम के फॉर्म में, बहुत सारे फॉर्म में। इन सबको बोलते हैं ड्रग्स के डोजेस फॉर्म, जो हो सकते हैं लिक्विड, जो हो सकते हैं सॉलिड, जो हो सकते हैं गैस, जो हो सकते हैं सेमी सॉलिड, कुछ भी। ये उसके होते हैं डोजेस फॉर्म। लेकिन अगर मैं बात करूं ड्रग्स के नाम के बारे में, तो जितनी भी दवाइयां आप खाते हैं, जो आपके घर में रखी हुई हैं, उन सभी दवाइयों के टोटल होते हैं तीन नाम। इन तीनों नाम का अपना अपना सिग्निफिकेंस है, अपना अपना रोल है, और यही आज का टॉपिक है। सस्पेंस ना बढ़ाते हुए मुद्दे की बात पे आ रहा हूं मैं। दुनिया की चाहे कोई भी एलोपैथिक ड्रग्स, कोई भी जिसको आप यूज करते हैं चाहे आप यूज ना करते हैं, हर ड्रग के टोटल होते हैं तीन नाम। पहला नाम होता है उस ड्रग का जिसे बोलते हैं जेनरिक नेम। सेकेंड नंबर का नाम होता है उसी ड्रग का जिसे बोलते हैं क्या, ब्रांड नेम। और नंबर तीसरे नंबर पे जो नाम होता है उसको बोलते हैं उस ड्रग का क्या, केमिकल नेम। ये जेनरिक नेम, ये ब्रांड नेम, ये केमिकल नेम, तीनों एक ही ड्रग में होते हैं, नहीं है सॉरी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा देश भारत, भारत का नाम हिंदुस्तान भी है, भारत का नाम इंडिया भी है, तो वैसे ही जो दवाई आप खा रहे हो, जो आप गोली खा रहे हो, उस दवाई की टोटल तीन नाम होते हैं। नंबर वन इज अ जेनरिक नेम, नंबर टू इज अ ब्रांड नेम, और नंबर तीन इज अ केमिकल नेम। और अच्छे से सिंपल भाषा में बता रहा हूं मैं, जैसे पानी, बच्चा 8th, 9th, 10th, 5th, 6th क्लास के सही बच्चे जानते हैं कि पानी का फॉर्मूला होता है H2O। तो H2O हो गया पानी के लिए केमिकल नेम। अब बात समझे, पानी के लिए H2O एज अ केमिकल नेम, लेकिन उसी पानी को वाटर बोलते हैं, ये हो गया उसका जेनरिक नेम, या पानी उसका हो गया जेनरिक नेम। लेकिन जब उस जेनरिक नेम के ऊपर किसी कंपनी का लेबल लगता है, किसी कंपनी का नाम लगता है, तो वो बन जाता है उस कंपनी के लिए क्या, ब्रांड नेम। मतलब पानी के भी तीन नाम हो गए, नंबर वन एज अ H2O केमिकल नेम, नंबर टू एज अ पानी जेनरिक नेम, वाटर जेनरिक नेम, या फिर तीसरा हिमालय पुत्र, बिस्लेरी, एक्वामिना, ये बन गए उसके ब्रांड नेम। ये तीन नाम देने की इंपॉर्टेंस क्या है, ये तीन नाम किसने दिए? एक्चुअली में क्या होता है, पूरी दुनिया में ड्रग्स के नाम को लेकर काफी चर्चाएं होती हैं, और इसी दिक्कत को हटाने के लिए दुनिया की कुछ एजेंसीज हैं, मेडिकल एजेंसीज हैं, जिनने ड्रग्स के नाम दिए हैं। ये नाम सिर्फ उन ड्रग्स के नाम को लेके जो कंफ्यूजन होता है उसको अलग करने के लिए होते हैं। सबसे पहले आते हैं किसी भी ड्रग के केमिकल नेम पे। किसी भी ड्रग का जो केमिकल नेम होता है, वो केमिकल नेम उसके स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है। उस ड्रग के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल है, उस ड्रग के अंदर कौन सा केमिकल है, उस ड्रग के अंदर कौन सा एटम है, वो इंडिकेट करता है उसका केमिकल नेम। जैसे H2O किससे बनता है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, तो यह बन गया उसका केमिकल नेम।
ये जो केमिकल नेम होता है ये कहीं ना कहीं और भी चीजों में रोल प्ले करता है। जैसे अगर मुझे कोई नई ड्रग डेवलप करनी है, उस ड्रग के स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस करने हैं, तो उस रोल में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए केमिकल नेम का पता होना साइंटिफिकली काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, कस्टमर के लिए पता होना हो, डॉक्टर के लिए पता होना हो, इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन केमिकल नेम भी होता है। नंबर टू आते हैं जेनेरिक नेम पे। जेनेरिक नेम वो नेम होते हैं जो वर्ल्ड की एजेंसी के द्वारा दिए जाते हैं, और सबसे अच्छी बात यह होती है कि ये नेम पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल होते हैं। हाँ, ये पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल होते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, हर कंट्री की अपनी अपनी एक बुक्स होती हैं, एक संविधान होता है जिसमें दवाइयों के बारे में पूरी न्यूज होती है, और हर कंट्री की उस बुक को, उस संविधान को बोला जाता है फार्माकोपिया। अगर वो इंडिया में हुई तो इंडियन फार्माकोपिया, पाकिस्तान में हुई तो पाकिस्तानी फार्माकोपिया, ब्रिटेन में हुई तो ब्रिटेन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएस में हुई तो यूएस फार्माकोपिया, ऐसे हर जगह फार्माकोपिया होती है। और इन फार्माकोपिया के अंदर उन ड्रग के जेनेरिक नाम के साथ उनका कंपोजिशन, वो ड्रग कैसे काम करती है, उन ड्रग के साइड इफेक्ट क्या है, थोड़ी थोड़ी सब इन्फॉर्मेशन दी रहती है। और एक बात और, फार्माकोपिया में जो ड्रग अवेलेबल होती है हर कंट्री में, जो बुक में अवेलेबल होती है ड्रग्स, वो ड्रग लीगल यूज कंट्री में कंटिन्यू रहती है। और अगर कोई ड्रग फार्माकोपिया में नहीं दी गई है और अगर वो उस कंट्री में अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं ऑफेंस या इलीगल माना जाता है। तो जेनेरिक नेम ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज के लिए सेम होते हैं। जैसे आपने सुना होगा एस्प्रिन, अब एस्प्रिन चाहे आप इंडिया में खाएं चाहे पाकिस्तान में खाएं, वो एस्प्रिन ही एस्प्रिन रहेगी, उसका नाम वहां नहीं बदलेगा क्योंकि वो जेनेरिक नेम है। जेनेरिक नेम हमेशा सेम रहता है, और जेनेरिक नेम ही आप बुक्स के अंदर पढ़ते हो, जो भी आप फार्माकोलॉजी वगैरह में देखते हैं बुक्स के में ड्रग के नाम होते हैं, वो जेनेरिक नेम ही होते हैं, ये हमेशा सेम रहते हैं। आप चाहे किसी बुक से पढ़ लो, फार्माकोलॉजी की किसी बुक से पढ़ लो, ड्रग का जेनेरिक नेम हमेशा सब बुक में सेम दिया रहता है। लेकिन जब ये जेनेरिक नेम किसी कंपनी के हाथ लगता है, या जो कंपनी उसको अपने हिसाब से बनाती है, जो उसको अपने हिसाब से चेंज करती है, वो उसे देती है उसका ब्रांड नेम। ब्रांड नेम ड्रग को लेके नहीं होता है, ब्रांड नेम कंपनी की आइडेंटिटी को लेके होता है। ये पहचान होती है कंपनी की, ये दवाई मेरी है, ये नाम कोई कॉपी नहीं कर सकता। एस्प्रिन हर जगह एस्प्रिन रहेगी, लेकिन अगर मैंने बोला इकोस्प्रिन, तो इकोस्प्रिन इकोस्प्रिन पर्टिकुलर कंपनी की ही रहेगी। जैसे मैंने बोला आपसे डिस्प्रिन, तो वो भी पर्टिकुलर कंपनी के लिए पेटेंट होता है, और अगर उस नाम को कभी कॉपी किया गया तो पेटेंट एक्ट के अगेंस्ट जा सकता है। तो इसे बोलते हैं ब्रांड नेम। सिंपल भाषा में बोलूं, मैं गोल गोल नहीं घुमा रहा हूं, मैंने बोला पानी H2O केमिकल नेम, मैंने बोला सिर्फ पानी वाटर, ये उसका जेनेरिक नेम, और मैंने बोला एक्वाफिना, मैंने बोला एक्वाफिना, मैंने बोला आपसे बिस्लेरी, ये सब हो गए आपके ब्रांड नेम। दवाई की मैं बोल देता हूं एग्जांपल, जैसे मैंने बोला आपसे एस्प्रिन, तो एस्पिरिन का फॉर्मूला जो होता है उसके साथ उसका नाम आता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, तो ये हो गया एस्पिरिन का केमिकल नेम। अब उसी को अगर मैं बोला एस्पिरिन, तो वो हो गया तुम्हारा जेनेरिक नेम। और जब एस्पिरिन भी लगता है लेबल किसी कंपनी का, और जब वो अलग नाम से बिकती है, एस्पिरिन आज की दुनिया में एलोपैथिक सिस्टम में कम से कम 60 से 70 नाम से बिकती है, कभी इकोस्प्रिन, कभी डिस्प्रिन, बहुत सारे नाम होते हैं, तो वो बन गया उसका ब्रांड नेम। है एस्पिरिन ही, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी एस्पिरिन है, एस्प्रिन भी एस्प्रिन है, और एस्प्रिन तो एस्प्रिन है ही है। बस ये तीन नाम होते हैं जो ड्रग को उसकी आइडेंटिटी यूज के हिसाब से दिए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट टाइम फिर से ये बोलूंगा, दुनिया की कोई भी दवाई हो, हर ड्रग के तीन नाम ही होते हैं। नंबर वन इज अ केमिकल नेम, नंबर टू इज अ जेनेरिक नेम, और नंबर तीन इज अ ब्रांड नेम। तीनों एक ही दवाई है, बस यूज के हिसाब से, आइडेंटिटी के हिसाब से कभी कभी नाम यहां पे यूज ऊपर नीचे होते रहते हैं। थैंक यू। हो सकता है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जाकर उसको बता भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। रुको तो, जाना मत अभी, बच्चे का रिप्लाई देख के जाओ, जो स्टार्टिंग में इसको उंगली की थी, छोड़ेगा नहीं वो उसको, रिपोर्टर को। तेरी माँ का भोलापन, तेरी बहन की चूड़ियाँ, और तेरा बाप का कैसी अपमान कर बातें करा लो।